एक बात तो भाई साहब आपको कहनी पड़ेगी, अगर आप तारीफ करना चाहते हैं तो तारीफ भी कर लीजिए, पर ये कहना मत भूलिएगा कि जब भी प्रेसवार्ता होगी तो धमाकेदार ही प्रेसवार्ता होती है। अब आज ही की बात ले लीजिए, जब दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से 30 किलोग्राम अवैध गांजा भी बरामद हुआ। फिलहाल बाराबंकी जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी ने मामले की पूरी जानकारी दी, तो सुनना चाहेंगे। पिछले कई महीनों से जनपदीय पुलिस लगातार जो मादक पदार्थों का अवैध काम करने वाले हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। आज इस श्रृंखला में एक बड़ी सफलता मिली है, जब आज सवेरे थाना जैतपुर क्षेत्र में दो संदिग्ध लोगों को चेकिंग के दौरान रोकने पर उनके पास से 30 किलो गांजा बरामद हुआ है। इनमें से एक अभियुक्त अभ्यस्त अपराधी है जो इसी मादक पदार्थ के वर्चस्व के मामले में हत्या के मुकदमे में जेल जा चुका है, उसके खिलाफ गैंगस्टर हो चुका है, जमानत पर छूटा है। इसने पुनः गांजे की सप्लाई के संबंध में बाहर के लोगों से संपर्क किया और जब ये माल लेकर जा रहा था तो गिरफ्तार हुआ। तो सुना आपने कि किस तरह से जैतपुर पुलिस ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। फिलहाल वीडियो यहीं खत्म नहीं हुई है, अभी पुलिस अधीक्षक आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। पूछताछ पर मालूम पड़ा है कि ये माल बिहार और अन्य प्रदेशों से मंगाया जा रहा है। महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, न केवल कहाँ से माल आ रहा था उनकी, बल्कि स्थानीय कौन कौन से लोग माल मंगा रहे हैं, किसके माध्यम से मंगा रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और जल्दी ही ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बीते दिनों में जनपद में नार्कोटिक्स का धंधा करने वाले जो यहाँ का पारंपरिक अपराध है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, चौतरफा कार्रवाई की गई है। छोटे ऑपरेटर से लेकर जो बड़े संगठित अपराध करने वाले लोग हैं उनको निशाने पर लेकर कार्रवाई की गई है। इससे भड़बड़ा कर लोग यहाँ के पारंपरिक धंधे को छोड़कर अब गांजे के तस्करी का प्रयास कर रहे हैं और उस पर भी हमारी सतत निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी। तो बाराबंकी जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय की बातें सुनकर के आप पूरा मांजा समझ गए होंगे, और नहीं समझ पाए और नहीं सुन पाए तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो आप फिर से पूरा मामला विस्तार पूर्वक समझ जाएंगे। पर कुछ भी कहिए, जयपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और फिलहाल बाराबंकी जनपद में उत्तर प्रदेश के लिए एबीएन न्यूज 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की दमदार खबरें आपको मिलेंगी सिर्फ एबीएन न्यूज 24 पर।